पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो इनके माध्यम से अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन चला जाएगा। मतलब हम ये कर सकते हैं कि हमारे जितने भी नवादा पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी सातिर साइबर ठग इंडिया बुल्स और धनी फाइनेंस के नाम पर देश के विभिन्न प्रांत के लोगों से सस्ते दर पर लोन आदि का प्रलोभन देकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने बारसलीगंज थाना क्षेत्र के मजूदा गांव और सिमरी गांव में छापेमारी कर 5 साइबर ठग को दबोचा है। पुलिस के हत्थे चढ़े सभी सातिर साइबर ठग लोगों को कॉल कर रिलायंस फाइनेंस एवं धनी फाइनेंस का नकली कागजात बनाकर उन्हें भेजते हैं। उनके बाद 2-3% ब्याज पर आधे घंटे में लोन देने का झांसा देकर लोगों से पैसे की ठगी कर रहे थे। इंडियंस बुल्स और धनी फाइनेंस के नाम पर सातिर ठग ऐप का इस्तेमाल करते थे, जिनके नाम राशि इत्यादि डालने पर नकली अप्रूवल लेटर बन जाता था। सातिर साइबर ठग लोगों को डराने के लिए 100 से नकली स्टाम्प पेपर पर लीगल नोटिस भी भेजते थे। पुलिस ने छापेमारी के क्रम में साइबर अपराधियों के पास से 13 एंड्रॉयड मोबाइल का एक डाटा शीट, जिसमें बहुत सारे मोबाइल नंबर अंकित हैं, और कई पन्नों का बैंक अकाउंट का नंबर लिखे कागज को बरामद किया है। पुलिस ने भारतीय बैंक थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। नवादा पुलिस के हत्थे चढ़े सभी सातिर साइबर ठग जिले के बारसलीगंज थाना क्षेत्र के मसूदा गांव के वीरेंद्र कुमार, सिमरी गांव के रंजीत कुमार, टाटीमीर गांव के रवि कुमार, रोह थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव के मुकेश कुमार और अकबरपुर थाना क्षेत्र के भीखमपुर गाँव के नंदन कुमार बताए जाते हैं। साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल से लड़ने के लिए जो होम मिनिस्ट्री द्वारा एक पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, प्रतिबिंब पोर्टल, इसके माध्यम से ऐसे सभी क्रिमिनल्स जो सस्पेक्ट नंबर्स होते हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। उसी क्रम में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वासलीगंज थाना अंतर्गत जो है वहाँ पे काफ़ी सारे क्रिमिनल्स ऐसे नंबर्स एक्टिव है जिनके द्वारा फ्रॉड की घटनाएँ की जा रही हैं। इसी क्रम में एक SIT का गठन किया गया था। उनके द्वारा जो साइबर DSP हैं उनकी अध्यक्षता में ये रेड छापेमारी की गई। रेड छापेमारी के क्रम में करीब जो है वहाँ पे जितना सामने आया, करीब 50 से ऊपर व्यक्ति ऐसे एक जो ठोके जो है साइबर फ्रॉड की घटनाएँ कारित कर रहे थे, उसमें से जो उनको पकड़ा गया, करीब 5 लोगों को पकड़ा गया है, बाकी अन्य जो हैं वो भागने में सफल रहे। इसमें 13 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, एक ATM कार्ड बरामद हुआ है, अन्य एविडेंस भी वहाँ से गैदर किया गया है। इनका जो MO है वो आपको बता देते हैं कि इनके द्वारा 2 फाइनेंस कंपनीज, रिलायंस फाइनेंस और धनी फाइनेंस के नाम से लोगों को ये प्रलोभन दिया जाता था कि आपको आधे घंटे में, एक घंटे में लोन प्रोसेस कर देंगे। उसी के क्रम में उनके द्वारा जो है एक प्रोसेसिंग फ़ी की डिमांड की जाती थी, लोगों को प्रलोभन दिया जाता था अगर आप एक प्रोसेसिंग फ़ी देंगे तो आपको जो है लोन इंस्टेंटली क्रेडिट कर दिया जाएगा। तभी लोग जो है ये ऐसा फ्रॉड कर देते थे, मतलब OTP भी अपना शेयर कर देते थे। इसी क्रम में 2-3% ये जो बोलते थे हम आपको प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। इनने एक ऐप भी बनाया हुआ था, ऐप के माध्यम से ऐसे लीगल नोटिसेस ये उन विक्टिम्स को पहुंचाते थे कि आप जो हैं उन्हें 100 रुपये के ऊपर स्टैंप पेपर के ऊपर एक लीगल नोटिस भी बनाया हुआ था। उसके माध्यम से लोगों को डराते थे, धमकाते थे, अगर आप प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऐसे सभी विक्टिम्स जो हैं उनका पैसा इसमें जो फंसा हुआ था उनको उसको जो है फ्रीज़ किया गया है। अन्य जितने भी ऐसे विक्टिम्स हैं जिनका पैसा गया है उसको रिलीज़ करने का, वापस करने का प्रयास जो है वो नवादा पुलिस द्वारा किया जाएगा। इसमें जो उपलब्धि है 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और जो है 13 इनके पास से मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। साथ साथ ऐसी एविडेंस, महत्वपूर्ण एविडेंस भी हैं, ऐसे इनके पास से व्हाट्सएप चैट्स, लोगों को बहकाने वाले वॉइस टेक्स्ट, वॉइस मैसेजेस ऐसे उनके पास से बरामद हुए हैं। और लगातार ये अभियान चला के नवादा में जो साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव हैं उनको जो है पकड़ने का प्रयास नवादा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। कहाँ के हैं ये सारे जो हैं? ये बारसलीगंज थाना अंतर्गत के ही रहने वाले। इन लोग पूर्व में भी पकड़ाए थे? इनका जो अभी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो क्रिमिनल हिस्ट्री थाने पे उपलब्ध अभी इनके विरुद्ध कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इनके जो सस्पेक्ट नंबर्स NCERT
एसपी पोर्टल पे चलते हैं, वहाँ पर सस्पेक्ट नंबर में इनका जो है वो विवरणी प्राप्त हुई है। सर पुलिस इन लोग को पकड़ के जेल भेजती है और 5 दिन 4 दिन में ये लोग वापस चला रहे हैं, इसमें कुछ पुलिस का कुछ लेकिन मतलब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट हम एक अंग हैं, उसमें जुडिशरी एक अंग है, हम एक अंग हैं, तो उस अंग में जितना हम काम कर सकते हैं उसमें हम पूरा काम कर रहे हैं। उन व्यक्तियों को पकड़ना, उनको प्रिवेंटिव एक्शन लेना, उनको प्रोसिक्यूट करवाना, उनको विरुद्ध जो एविडेंस गैदर करके भेजना, बाकी आगे का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। नवादा से आशीष कुमार की रिपोर्ट।